हेलो दोस्तों, राम राम। देखो, मैंने पालक काट के रखा था। अब मैं यूपी का सतपहिता बना रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में मैंने पालक को धो करके साफ करके और चना या मटर की दाल, थोड़ी सी उड़द की दाल छिलके वाली, नमक हींग डाल करके मैंने एकदम स्लो फ्लेम पे इसको रख दिया है। और धीरे 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 ये जब हमारा पक जाएगा तो इसमें लहसुन और मिर्चा, हरी मिर्ची का हम सरसों के तेल से तड़का लगा देंगे और हमारा सतपहिता बन के तैयार हो जाएगा। ये बहुत पुराने ज़माने में बनता था। आजकल नए लोग तो कुकर में बना रहे हैं या भगोने में या जस्ता एल्यूमिनियम, जो भी स्टील की कढ़ाई में बना रहे हैं। लेकिन ये पहले हम लोग के ज़माने में, पहले हम लोग चूल्हे पे इसको रख देते थे, धीमी धीमी आँच पे ये पकता रहता था। और जब ये अच्छे से पक जाता था तब हम लोग लहसुन और मिर्चा का तड़का लगा देते थे चावल के साथ। इसको यूपी में सब लोग बहुत पसंद करते हैं और यूपी में इसको सतपहिता कहते हैं। ये सतपहिता मैंने चढ़ा दिया है और दूसरी तरफ मैंने मलाई रखा था, दूध की उतार करके, 1 हफ्ते की मलाई उतार के रखा था। उसका मैंने घी बना लिया है। देखिए कितना ढेर सारा घी मेरा तैयार हुआ है। अब इसको हमें छानना है। अभी छान के इसको हम जार में रख देंगे और छानने के बाद जो हमारा इसमें ये बचेगा इसको हम लोग नमक डाल के रोटी से खा लेते हैं, या जो है इसमें चीनी मिला करके बहुत लोगों को पसंद आता है। इस तरह हमारी दिनचर्या जो है अब लगभग कुछ सफ़र हमारा दिनचर्या का पूरा हो रहा है धीरे धीरे। राम राम, प्रणाम सबको, धन्यवाद।